आम्ही दाराशी जायची आपली हिंमत नव्हती. त्याने आपल्याला हक्क मिळवून दिले. राम राम रामला तो आपल्यासाठी, राम राम रामला तो आपल्यासाठी, कारण आपला विकास होण्यासाठी असे वाटले. मला मी माझ्या लेकरांनी बाबासाहेबांनी शिकवायचं आहे, त्यासाठी मलाही शिकायचं आहे. तो रडला, तो थांबला. काय सांगू तुम्हाला पुढे काय झाले? तो मले रोज शाळेत घेऊन जावं लागला. उपस्थित आहेत आणि त्यांना सन्मानपूर्वक या मंचावरती बोलणं होणं हे युवाच्या वतीनं कर्तव्य बनतंय. मी मंचावरती निमंत्रित करेन संगीतकार जन हिंदी संगीत सृष्टीमध्ये आपल्या संगीताचा ठसा उमटवला आणि बाबासाहेबांचा एक नवीन अल्बम त्यांच्या संगीतात लॉन्च झालेला आहे असे जतीन ललित, यामधील ललित पंडित या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जरा जोरदार टाळ्या संगीतकार ललित पंडित यांच्यासाठी आपण द्यायचे. आणि गायक कलाकार शान यांनी हा मराठमोळा आविष्कार जो आहे बाबासाहेबांच्या गीताचा तो आपल्या सर्वांसाठी साकारलाय. शान यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या द्यायचे. त्यांच्या आवाजातून हा अल्बम मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि चंद अल्फाज आपके और से भी हो जाए और कुछ गीतों की झलकियां भी हम सुनना चाहते हैं क्योंकि उसके बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाएगा. मैं युवास की ओर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि ये युवास हमारे नवयुवक की आवाज है और उसी के जरिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो भविष्य की ओर एक सही दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं. और इन युवास के लिए आपके जो संगीत के बोल हैं वो बहुत मायने रखते हैं. प्लीज कंटिन्यू. जय भीम. आप सभी को बहुत सप्रेम नमस्कार और हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हर्षदीप कामले साहब का, निखिल जी का, क्रांति जी का, क्रांति कोपरगड़े और हमारे दोस्त हैं यहाँ पे महावीर जैन जी जिन्होंने हम सबको मिलाया है और इस काम में सबसे आगे बढ़त ली जिनकी वजह से ये जय भीम का गाना हमने सब ने मिल के रिकॉर्ड किया है. मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो खूबसूरत फंक्शन था इस पर मैं और शान बात कर रहे थे, जो एक खूबसूरत एनर्जी थी सब लोगों की परफॉर्मेंस की वो देख के ऐसा दिल करता है कि एक बार जोरदार तालियां हाथ बजाएं. इतनी फील और इतने एक्सप्रेशन के साथ इतना अच्छा लाइव परफॉर्म कर देना बहुत ही कमाल की बात होती है और उसके साथ खूबसूरत लाइव बैकग्राउंड ऐसा बजना बहुत ही हुआ और बहुत टेम्पो होता है ये सर, बहुत मुश्किल होता है और पता नहीं कितनी रिहर्सल हुई होंगी. मैं सभी कलाकारों को अपनी टीम की तरफ से अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. और एक मिनट में रोककर महावीर जैन साहब को भी बुलाना चाहूंगा. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज की ये नाम हमारे ओर से रह चुका था. प्लीज प्लीज फिल्म प्रोड्यूसर महावीर जैन साहब आप मंच पर तशरीफ लाएंगे. हम आपको गुजारिश करते हैं जरा जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो जाएं.